गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारा एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 12, द बॉय हु बिकेम अ रॉबिन। तो एक लड़का है जो कि क्या बन गया है, रॉबिन बन गया है। तो लिखा है अब यहाँ पे उसके बारे में देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वॉज एन ओल्ड ट्राइबल, एक क्या था, एक ट्राइबल था। ट्राइबल मतलब था आदिवासी, एक पूरा एक आदिवासी था, बूढ़ा आदिवासी, ओल्ड मतलब बूढ़ा। Who had an only son, जिसका एकमात्र बेटा था, सिर्फ एक बेटा था जिसके पास। Whose name was Opechi, जिसका नाम क्या था, Opechi था। The boy had come to the age when every tribal lad makes a long fast in order to secure a spirit to be his guardian for life। तो अब क्या है, वो जो लड़का है एक ऐसी उम्र में पहुँच चुका है जब क्या होता है, जो भी आदिवासी लड़के हैं वो क्या करते हैं, अपना जो भी गार्डियन है, जो भी उनके पेरेंट्स हैं या माता पिता है, जो भी उनके साथ रहते हैं, उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय का क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। नाउ द ओल्ड मैन वॉज वेरी प्राउड एंड ही विश्ड हिज सन टू फास्ट लॉन्गर देन अदर बॉयज। अब वो क्या है, बहुत प्राउड फील करता है अपने बच्चे पे और वो ये सोचता है और ये कहता है कि जो मेरा बेटा है ना, दूसरे लड़कों से ज़्यादा लंबा समय का उपवास रखेगा। And to become a greater warrior than all others, और क्या करेगा, इन सबसे बड़ा एक बड़ा warrior बनेगा। So he directed him to prepare with Solomon ceremonies for the fast। तो अब वो क्या करता है, उसका जो Solomon मतलब होता है पवित्र, सेरेमनी मतलब होता है समारोह। तो अब उसको कहाँ पे उसके जो फास्ट होता है, फास्ट मतलब उपवास करने के लिए तैयारी करने लगता है, पवित्र तैयारियाँ जो भी है समारोह की वो करने लगता है। After the boy had been in the sweating lodge and bath several times, तो क्या है, लड़के को जब पसीना आता है और कई बार स्नान करने के बाद क्या करता है, his father commanded him to lie down upon a clean mat, कि अब वो एक clean mat मतलब एक चटाई पे सो जाए, in a little lodge apart from the rest, और चटाई पे क्या है, एक अच्छा आवास मतलब छोटा सा आवास ढूंढे और वहाँ पे चटाई पे सो जाए। फिर आगे बोलते हैं, माई सन मेरे बेटे, ही एंड्योर योर हंगर लाइक अ मैन, तो जो क्या है, अपनी जो भूख है उसको सहना शुरू करो। एट द एंड ऑफ द 12 डेज यू शैल रिसीव फूड एंड ब्लेसिंग फ्रॉम माई हैंड, कि अब तुम्हें 12 दिनों तक क्या करना है, फूड नहीं मिलेगा, 12 दिन के बाद तुम्हें मेरे से फूड और आशीर्वाद मिलेगा। द बॉय केयरफुली डिड ऑल दैट हिज फादर कमांडेड, तो उसके जो बात पिता ने जो कुछ कहा था वो वैसे वैसे करते जाता है। एंड लैक क्वाइटली विथ हिज फेस कवर्ड, और शांति से अपना मुंह ढक के बैठा रहता है। अवेटेड द अराइवल ऑफ हिज गार्डियन स्पिरिट हु वॉज टू ब्रिंग हिम फूड एंड बैड ड्रीम्स, तो हुई गिव क्या बोला है, वॉज टू ब्रिंग हिम गुड एंड बैड ड्रीम्स, तो अपने गार्डियन का वेट करने लगता है। हिज फादर विजिटेड हिम एवरी डे, तो हर दिन उसके पिता उसे मिलने आते हैं। इनकरेजिंग हिम टू एंड्योर विथ पेशेंस द पैंग्स ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, कि वो उसको इनकरेज मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए आते हैं कि वो अपनी भूख और प्यास की पीड़ा को सहन करे, अपने आप को प्रोत्साहित करे। He told him of the owner and renown that would be his if he continued his fast to the end of the 12 days. वो कहता है कि 12 दिनों तक अगर वो अपना उपवास ऐसे ही रखेगा तो उसको सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। Owner मतलब सम्मान, renown मतलब प्रतिष्ठा। To all this the boy replied not, और इन सब का उसने कोई reply नहीं दिया। बट ले ऑन द मैट विदाउट अ मर्मर ऑफ डिसकंटेंट, बिना कुछ बोले वो वहीं पे वैसे पड़ा रहा। अनटिल द 9th डे व्हेन ही सेड, और 9वें दिनों कहता है, फादर मे आई ब्रेक माई फास्ट नाउ, क्या मैं अब अपनी भूख तोड़ सकता हूँ, अपना उपवास तोड़ सकता हूँ, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। तब ओल्ड मैन बोलता है, माई सन रिप्लाइड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन बोलता है मेरे बेटे, यू नो Not what you ask, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे क्या कहता था, if you get up now all your glory will depart, अगर तुम अभी उठोगे तो तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। Wait patiently a little longer, बस कुछ दिन की बात और है, वेट करो। You have but 3 days more to fast, then glory and honor will be yours, कि बस 3 दिन और, फिर उसके बाद सम्मान और महिमा सब कुछ तुम्हारी होगी, तुम चर्चित हो जाओगे सब जगह।
द बॉय सेड नथिंग मोर, अब उसने और कुछ नहीं कहा, बट कवरिंग हिमसेल्फ क्लोज द ले अंटिल द 11th डे, फिर से 11 दिन हो गए, व्हेन ही स्पोक अगेन, फिर से अपने पिता को बोलता है, माय फादर, पिताजी, माय ड्रीम्स फॉरबेड एविल, मेरे ड्रीम में क्या आ रहे हैं, मेरे ड्रीम में क्या बुराइयाँ आ रही हैं, मे आई ब्रेक माई फास्ट नाउ, क्या मैं अब अपना उपवास तोड़ सकता हूँ, एट अ बेटर टाइम मेक अ न्यू वन, और फिर से मैं वापस से शुरुआत करूँगा। माई सन रिप्लाइड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन बोलता है, बेटे यू नो नॉट वॉट यू आस्क, वेट अ पेशेंटली लिटल लॉन्गर, बस तुम भूलो मत कि तुमसे क्या कहा गया था, थोड़ी देर और वेट करो, यू हैव ओनली वन मोर डे एट फास्ट टू फास्ट, बस तुम्हारे पास एक दिन और बचा है उपवास करने के लिए। टुमोरो आई विल माई सेल्फ प्रिपेयर अ मील एंड ब्रिंग टू यू, अब अगले दिन तो मैं खुद ही तेरे लिए खाना लेके आने वाला हूँ, टेंशन मत ले। द बॉय रिमेन्ड साइलेंट, फिर से वो साइलेंट हो जाता है, बीनीथ हिज कवरिंग एंड मोशनलेस एक्सेप्ट फॉर द जेंटल हीविंग ऑफ हिज ब्रेस्ट, अब क्या करता है लड़का, अपने सीने को कोमल उतार चढ़ाव को छोड़कर अपने आवरण में शांत रहता है, वो शांति से वापस वहाँ पे लेट जाता है। तो अब हमने यहाँ तक देख लिया कैसे उसको उपवास रखना है, कैसे वो उपवास सह रहा है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है, उसकी उपवास टूटती है कि नहीं, वो जिंदा बचता भी है कि नहीं, उसके पिता खाना लाते हैं क्या लाते हैं, क्या होता है हम अगले लेक्चर में देखेंगे।